Hey guys, welcome back to my channel Creative Yamini. Today I'm going to share with you this makeup look which I have created for upcoming Shivaratri. It's a very basic, very lightweighted makeup. You can do it daytime, morning time, night time, whenever you can, with Indian jewelry, and traditional outfit. This is Misho and this jewelry came in PR. I don't remember which brand sent it. But let's start the video. If you like the video, please guys, request that you like and subscribe to the channel. बेल आइकन पे क्लिक कर दीजिएगा तो आने वाली सभी वीडियो से आप नोटिफाइड हो पाएंगे. सो स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट आई एम यूजिंग दिस गुड वाइव्स का टोन मिस्ट. ये एक मिस्ट है, यहाँ पे आप टोनर भी यूज़ कर सकते हैं, टोनर मिस्ट कुछ भी. एंड सनस्क्रीन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस टाइम पे बहुत ज़्यादा समर्स हो रहे हैं, सन टैन हो सकता है, सनबर्न हो सकता है. सो मेक श्योर कि आप सनस्क्रीन को स्किप ना करें, बहुत ज़्यादा असेंशियल है. यहाँ पर मैंने जॉय की सनस्क्रीन यूज़ की है, बहुत ही ज़्यादा लाइट वेटेड है. मॉइस्चराइजिंग की जगह आप सनस्क्रीन भी यूज़ कर सकते हैं. नेक्स्ट आई एम यूजिंग दिस मालियो का जेल प्राइमर. यहाँ पर जो भी प्रोडक्ट्स मैंने यूज़ किए हैं वो अंडर 200 रुपीज़ है. बहुत ही अच्छा प्राइमर है, आपके मेकअप को लॉन्ग लास्टिंग बनाता है. नेक्स्ट आई एम यूजिंग दिस NYB की CC क्रीम. यहाँ पे कोई भी CC क्रीम, BB क्रीम या नॉर्मल कवरेज वाली क्रीम आप यूज़ कर सकते हैं. डोंट थिंक सो कि इतना ज़्यादा हैवी मेकअप करने की ज़रूरत है, फाउंडेशन या बहुत ज़्यादा हैवी फाउंडेशन की इस टाइम पे कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि वो ऑलरेडी मेल्ट हो जाता है. तो आप इस तरीके की CC क्रीम, BB क्रीम अपनी डेली लाइफ के लिए यूज़ कर सकते हैं. ब्यूटी ब्लेंडर के लिए मैंने यहाँ पे हुडा ब्यूटी का ब्यूटी ब्लेंडर लिया है एंड इस तरीके से मैंने इसको ब्लेंड कर लिया. इसका कवरेज ओके इतना ज़्यादा हाईफाई नहीं है, बट हाँ आपके डार्क स्पॉट्स को, पिगमेंटेशन को ये हाइड कर देता है. सो जो हमें कवरेज चाहिए होता है नेचुरल, उतना हमें मिल जाता है. नेक्स्ट आई एम यूजिंग दिस हुडा ब्यूटी का ये कंसीलर जो कि मेरे स्किन टोन का है. जहाँ भी मुझे ज़्यादा डार्कनेस है, पिंपल्स है, वहाँ मैं इसे अप्लाई कर रही हूँ अपने अंडर आई एरिया में. पिगमेंटेशन जहाँ भी है वहाँ मैं इसे अप्लाई कर रही हूँ एंड सेम ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से मैं ब्लेंड कर लूँगी. अगर आपकी स्किन ऑयली है तो हुडा का ये रेप्लिका कंसीलर आप ट्राई ना करें क्योंकि ये ऑयली स्किन वालों के लिए बहुत ज़्यादा ऑयली रहेगा. एंड जो CC क्रीम है वो कॉम्बिनेशन स्किन वाले या नॉर्मल स्किन वाले लोग यूज़ कर सकते हैं. नेक्स्ट आई एम यूजिंग दिस लैकमे एब्सोल्यूट का दिस कॉम्पैक्ट. अच्छे से ऑल ओवर फेस को मैंने सेट कर लिया है ताकि मेल्ट ना हो, प्रोडक्ट सेट हो जाए. यहाँ पे आप बेकिंग प्रोसेस भी कर सकते हैं जिससे कि आपका मेकअप जो है वो केकी ना लगे या मेल्ट ना हो. नेक्स्ट अपनी ब्राउज को फिल इन करने के लिए मैंने वेट एंड वाइट का ये ब्राउ किट लिया है. आई एम इन दी शेड 02. एंगल ब्रश की हेल्प से मैंने अपनी आईब्रोज को फिल इन कर लिया है एंड ये 400 रुपीज़ की रेंज का है, बट ऑन डिस्काउंट आपको 190 तक में मिल जाता है. हमेशा फ्लिपकार्ट पे आप ट्राई कर सकते हैं. हुडा ब्यूटी का दिस आई शेडो कॉर्ड यूज़ किया है. यहाँ पे दो न्यूट्रल शेड्स मैंने लिए हैं, प्रॉपर मैट एंड अपनी क्रीज की तरफ इसको अच्छे से ब्लेंड कर लिया है. इसी तरीके से मैं पूरी लिड पर इसको ब्लेंड कर लूँगी. यहाँ पर आप कोई भी सिंगल शेड यूज़ कर सकते हैं या जिस शेड को एज अ ब्लश आप अप्लाई करने वाले हैं या जिस लिपस्टिक को आप अप्लाई करने वाले हैं लाइट डार्क, उसको हल्का सा भी अपने फिंगर पे लेकर के अपनी पूरी लिड पे भी अप्लाई करके ब्लेंड कर सकते हैं. वो चीज़ भी बहुत ज़्यादा प्यारी लगती है. लाइनर के लिए आई एम यूजिंग दिस सिस ब्यूटी का स्केच लाइनर. ये न्यू लॉन्च है एंड ये बहुत ज़्यादा अच्छा है. इसका पिगमेंटेशन बहुत ज़्यादा अच्छा है एंड ये बहुत बहुत ज़्यादा स्टे करता है. प्रॉपर वाटर प्रूफ है एंड ज़्यादा एक्सपेंसिव भी नहीं है. आई थिंक 200 रुपीज़ के अंदर में ही, मैंने 140 रुपीज़ का लिया था, बट ये आपको मिल जाता है 200 रुपीज़ में. आप ऑनलाइन सर्च कर सकते हैं. नेक्स्ट आई एम यूजिंग दिस ब्लू हेवन का वॉक फ्री मस्कारा. इट्स अ नॉन वाटर प्रूफ मस्कारा बट ओके मस्कारा है एंड 125 रुपीज़ का है. परफेक्ट मस्कारा है फॉर द टीनेजर्स एंड बिगनर के लिए. सो कर्लिंग देता है, लेना है एंड वॉल्यूम भी देता है और सेपरेट रखता है आपकी लैशेस को. ब्लश के लिए मैंने यहाँ पे SFR का ब्लश यूज़ किया है एंड लिपस्टिक के लिए मैंने यहाँ पे यूज़ की है ADS की दिस रेड लिपस्टिक. एंड आई थिंक ये प्रोडक्ट फिनिश होने वाला था इसलिए मुझे थोड़ा सा लिपस्टिक लगाने में टाइम लगा, बट इट्स अ परफेक्ट रेड शेड. बहुत ही ज़्यादा, अगर आपका न्यूट्रल मेकअप है, बहुत ज़्यादा न्यूड मेकअप है तो यू कैन गो विद ब्राइट लिपस्टिक एंड अगर आपका हैवी मेकअप है तो आप जा सकते हैं न्यूड लिपस्टिक के साथ. मेकअप को सेट करने के लिए मैंने यहाँ पे यूज़ किया है दिस सिस ब्यूटी का मेकअप सेटिंग स्प्रे एंड इसमें एलोवेरा स्ट्रेक्स है. इसको थोड़ा सा ड्राई कर लिया है ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से एंड दिस इज़ माई फाइनल फिनिश लुक गाइज. आप देख सकते हो आउटफिट मीशो का है एंड ज्वेलरी एक इंस्टा स्टोर की है. एंड अगर आपको वीडियो पसंद आई है, हेल्पफुल रही, तो प्लीज़ गाइज रिक्वेस्ट रहेगी लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिएगा तो आने वाली सभी वीडियो से आप नोटिफाइड हो पाएंगे. थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज. स्टे ब्लेस्ड. बाय.